नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों चलो देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं और आज के एक्सपायरी के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। दोस्तों मैंने कल ये भी कहा था कि एक दिन पहले मैं आपको लाइव ट्रेड दे रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ और हर वीडियो में हमारे लेवल्स के हिसाब से ही दोनों इंडेक्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। निफ्टी ने आज बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया, हमारे लेवल्स के हिसाब से ही काम किया। अगर आपने कल का वीडियो, जिसने वीडियो देखा रहेगा उसने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया रहेगा। दोस्तों कल क्या डिस्कस किया था क्विकली देख लेते हैं, बाद में कल के लिए एनालिसिस करते हैं। ओके, हमने कहा था दोस्तों कि हमें बुलिश रहना है, लेकिन 15 मिनट का कैंडल हमें 19,500 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। 19,500 के ऊपर अगर पहले 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है तो हम डेफिनेटली कॉल में बैठेंगे। ये हमारा फर्स्ट सिनारियो था, ट्रेड एग्जीक्यूटिव नहीं हुआ कॉल साइड में। सेकंड सिनारियो हमने बोला था जैसे ही निफ्टी 19,400 क्रॉस करेगा नीचे के साइड में, हमारे टारगेट्स वापस ओपन हो जाते हैं 19,300 और 350 के बीच में। ओके, यहाँ से 80 to 100 पॉइंट्स हमें मूवमेंट मिल सकता है, ये हमने कल डिस्कस किया था। आज क्या हुआ दोस्तों, निफ्टी ओपन हुआ फ्लैट, धीरे धीरे नीचे आया और हमारे लेवल को ही काट दिया। ओके, 19,420 को काट दिया। ओके, जो मेन लेवल था। उसके बाद मैं हमेशा बोलता हूँ काटने के बाद कंफर्मेशन लीजिए और वेट फॉर सम पुल बैक। देखिए दोस्तों व्हाट अ ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन बोल रहा हूँ दोस्तों, धीरे धीरे रिटेस्ट किया, यहाँ पे रिजेक्शन मिला और उसका कंफर्मेशन भी मिल गया। दोस्तों यहाँ पे हमारे एंट्री एग्जीक्यूट हो गई 19,400 पे शॉर्ट साइड में, और वो कितने बजे हुई वो भी बताता हूँ दोस्तों। हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हुई 11:10 में, ये एग्जीक्यूट हुआ। हमें लो मिला निफ्टी का 19,320 तक, 19,325 तक, 19,325 हमें लो मिला निफ्टी में। लगभग 75 पॉइंट्स हमें निफ्टी में कैप्चर करने के लिए आज के लिए मिले। एक्सपेक्टेड था 19,250 तक जाना लेकिन नहीं गया, इट्स ओके। एक्सपायरी के दिन आफ्टर 12 o'clock और आफ्टर 11 o'clock अगर आपको 75 पॉइंट का मूवमेंट मिलता है दोस्तों तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है। आपको रिटर्न्स लगभग 100% रिटर्न्स भी मिल सकता है एक दिन में, मतलब विद इन फ्यू मिनट्स में। तो यहाँ पे निफ्टी ने बहुत ही अच्छा काम किया। तो कल के लिए देख लेते हैं निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, 15 में हम आपके सामने एनालिसिस करेंगे। पहले पहले बात तो मैं बताना चाहूँगा, बुलिश दोस्तों हम 19,400 के ऊपर ही रहेंगे। जब तक 19,400 के ऊपर हमें अच्छी क्लोजिंग नहीं मिल जाती 15 मिनट टाइम फ्रेम की, तब तक हम सी ए में नहीं बैठेंगे, सी ए में नहीं बैठेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट चीज़ आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अभी यहाँ पे जो मेजर रेजिस्टेंस हो गया है वो आपके सामने सब वन बाय वन में एनालिसिस करूँगा दोस्तों, उसी हिसाब से आप आपके चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे जो अभी मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, जहाँ से वापिस निफ्टी बार बार वापिस आ रहा है नीचे, वो रेजिस्टेंस ओके, ये जो एरिया है, ये एरिया जब तक क्रॉस नहीं होता मतलब 19,380, लेकिन 400 के ऊपर हम बुलिश रहेंगे। ओके, जब ये लेवल काटेगा, ये लेवल काटेगा तो ही हम ऊपर के साइड में सोचेंगे। ओके, 19,400 के ऊपर ही हम सी के सोचेंगे। ओके, सी के बारे में सोचेंगे। ओके, अभी कल क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है, ओके निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और धीरे धीरे नीचे ऊपर आता है, सॉरी 19,400 के पास आता है, ये लेवल के पास। ओके, तो हमें क्या करना है, 19,380 और 90 के बीच में आता है, तो यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलता है दोस्तों उसका कन्फर्मेशन भी मिल जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पुट में बैठना है, हमें वापस पुट में बैठना है। यहाँ से हमारा दोस्तों लगभग 30 पॉइंट्स का एसएल रहेगा। कल के दिन पहला दिन है मतलब मार्केट का, तो यहाँ पे प्रीमियम डिके कम होगा, तो आप 30 पॉइंट का एसएल रख सकते हो, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। 30 पॉइंट का एसएल लेके चलना है, जैसे ये लेवल काटेगा हम रिवर्स पोजीशन के बारे में सोचेंगे, लेकिन हमारा एसएल 19,420 के आसपास रहेगा, एंट्री हमारा 19,390 के आसपास रहेगी। ओके, एंट्री हमारी सी के लिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, सी एंट्री 19,300 सॉरी पी के लिए हमारी एंट्री रहेगी दोस्तों 19,390 के आसपास। हमारा एस एल रहेगा 19,420, टारगेट रहेगा टारगेट हमारा दोस्तों रहेगा 19,300 फर्स्ट और सेकंड 250 हमारा टारगेट रहेगा।
ओके, लेवल्स लिख लीजिए, यहाँ पे आपको बहुत काम आएगी। ओके दोस्तों, फ्लैट ओपन होने के बाद बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर निफ्टी यहाँ पे फ्लैट के जगह, ओके फ्लैट ओपन होने के बाद यही से रिटर्न मारता है नीचे के साइड। ओके ये लेवल है दोस्तों 19,325, ये बहुत ही क्रुशियल लेवल है। उसके बाद मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे जाते हम। ओके यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है दोस्तों, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ड्रॉ कर लीजिए, सब आपके सामने एनालिसिस चल रहा है दोस्तों, लाइव एनालिसिस। ओके यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे एक बार और दो पॉइंट हमारे बन चुके हैं। अब यहाँ से देखिए, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद इसको काट देता है दोस्तों, ओके, और इसका कंफर्मेशन भी हमें मिल जाता है, वेट फॉर सम पुल बैक। ओके वापिस ये लेवल तक आएगा, 19,350 तक आने के चांसेस है पुल बैक में, और यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिल जाता है तो डेफिनेटली हमें पुट में बैठना है। टारगेट 19,300 और 250 रहेगा, लगभग हमारा 100 पॉइंट्स का टारगेट मिनिमम, कम मैक्सिमम यहाँ पे रहेगा फिर 250 तक, मतलब हमें 100 पॉइंट इनिशियल, 50 पॉइंट सेकेंड टारगेट, 100 पॉइंट। ओके ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखो, ऊपर से ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखो। ओके दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद धीरे धीरे ऊपर जाता है और लेवल को भी काट देता है, यहाँ पे देखिए कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली यहाँ पे वेट कीजिए। यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, 19,400 के आसपास क्या बन रहा है देखना है। यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ पे आता है और यहाँ पे आने के बाद अगर कुछ ग्रीन कैंडल बनती है तो डेफिनेटली हमें कॉल का ही सोचना है, और यहाँ पे कॉल की एंट्री बनेंगे, यहाँ से 30 पॉइंट का एक्सेल रखेंगे और टारगेट हमारे वापस 19,500 तक रहेंगे दोस्तों, यहाँ से भी 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा हमारा दोस्तों। अगर निफ्टी गैप डाउन ही ओपन हो जाता है और 19,300 के आसपास ओपन होता है, ओके 19,300 के आसपास, तो हमें क्या करना है, हमें वेट फॉर पुल बैक। पुल बैक में वापस हम 350 तक वेट करेंगे, यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे पुट में बैठेंगे, वापस हमारे 300 और 250 तक टारगेट रहेंगे। कल का दिन बड़ा भी हो सकता है दोस्तों, 200 पॉइंट का भी टारगेट मिल सकता है, लेकिन इनिशियली हम 100 पॉइंट का ही सोचेंगे। मुझे अभी दिख रहा है कि निफ्टी 19,200 के आसपास जाने के लिए रेडी है, वो भी बताता हूँ क्यों। ओके अभी पहले एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 19,250 और 200 का टारगेट रहेगा, गैप डाउन ओपन होने के बाद पुल बैक के लिए वेट कीजिए दोस्तों। अगर गैप अप ओपन होता है ए लेवल के पास ही, ओके, और गैप अप ओपन होने के बाद पहले ही कैंडल है रेड, ये जोन के अंदर क्लोज हो जाती है रेड कैंडल, ओके, तो यहाँ पे बहुत बड़ी सेलिंग वापस आ सकती है। कंफर्मेशन का वेट कीजिए, जैसे ही कंफर्मेशन मिल जाएगा पुट में आप एंट्री बना सकते हो। यहाँ से बड़े टारगेट हमें मिलेंगे, 150 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, 19,250 तक, 400 के लेवल, 380 के लेवल से यही ऐसे लगाना है, और टारगेट हमारा 250 तक रहेगा दोस्तों। यहाँ पे वापस मैं एक चीज बताना चाहूंगा, क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, वाई वी आर बियरिश नाउ। ओके यहाँ पे देखिए मैं क्या बताना चाहूंगा, जो हम पिछले कुछ दिनों से वीडियो में मैं लगातार बोल रहा हूँ कि आपको प्राइस एक्शन जब भी पता चल जाएगी कैसे एनालिसिस करना है, आप डेफिनेटली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है निफ्टी, एक बार दो बार थर्ड टाइम रिटेस्ट किया, लेकिन ऊपर गया नीचे गया लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा है, वापस ए लेवल पे आया ऊपर गया लेकिन धीरे धीरे ए लेवल पे आने के बाद टाइम स्पेंड कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा खतरा है, अगर 19,300 ब्रेक हो जाता है तो हमें 19,200 और 19,000 का भी लेवल वापस देखने को मिल सकता है। अगर 19,000 इट्स अ वेरी क्रुशियल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल और बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। 200 डेफिनेटली हमें मिलने वाला है, लेकिन 19,000 कब मिलेगा अगले कुछ दिनों में ही पता चलेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी का हमने पूरा एनालिसिस कर लिया, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे बैंक निफ्टी का हमने क्या डिस्कस किया था, क्लियरली हमने डिस्कस किया था दोस्तों, 44,000 के ऊपर ही हम बैंक निफ्टी में कॉल का सोचेंगे। अभी अभी देखिए, कल का जिसने वीडियो देखा रहेगा उसको समझ आया रहेगा कि भाई कहाँ पे एंट्री लेना है। यहाँ पे देखिए 44,000 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, वापस इमिडिएटली वहां से रिजेक्शन मिला। मैं क्या बोलता हूँ दोस्तों, ब्रेकआउट होने के बाद उसका कंफर्मेशन विद कैंडल चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दिखाना चाहूंगा मैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ा चार्ट आपके लिए जूम कर रहा हूँ, मतलब आपको मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे देखनी है वो बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे ठीक है, ब्रेकआउट मिला, सेकेंड कैंडल रिजेक्शन मिली, ओके तो यहाँ पे हमारी एंट्री यही कैंडल के ऊपर बनती है, जो रिजेक्शन कैंडल लेता है ब्रेकआउट कैंडल के बाद का,
उसके अब ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है तो डेफिनेटली हम बाय में बैठेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, कंफर्मेशन मिला ही नहीं। उसके बाद हमारा सेकंड सिनारियो रहता है कि पुल बैक में एंट्री लेनी। यहाँ पे देखिए वन वे नीचे है, यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं लिया 44,000 को और अगली कैंडल नीचे क्लोज कर दी। जिसको ये सिनारियो समझ में आया रहेगा दोस्तों, उसने यही पे एंट्री बनाई रहेगी 43,950 के आसपास, और उसने अच्छा खासा बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बना रहेगा। 750 तक हमें टारगेट मिला। हाँ, बैंक निफ्टी आज बहुत ही थोड़ा एक रेंज के अंदर काम कर रहा था, फिर भी 200 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिल गया था। जिसको प्राइस एक्शन समझ में आ गई, इसलिए मैं बोलता हूँ हर एक वीडियो अच्छी तरह से देखा करो, वहां से आपको बहुत वीडियो थोड़े लंबे रहते हैं दोस्तों, क्योंकि हम वीडियो में हर एक चीज डिस्कस करते हैं, वो सिर्फ आपके लिए। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम दिया करो, जरूर उसका आपको फायदा होगा। अभी कल के लिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी कहाँ पे काम कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, पहली बात तो पहला एनालिसिस मैं आपके साथ करना चाहूंगा, हम बैंक निफ्टी में बुलिश हम रहेंगे अभी यही लेवल के ऊपर 44,050 के ऊपर ही हम बैंक निफ्टी में सीई का सोचेंगे। ओके, सीई का सोचेंगे, तब तक सीई का नहीं सोचेंगे, अभी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, मैं आपके साथ शेयर करना। यहाँ पे आपको क्या करना है, जाना है पैरेलल चैनल में ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन नीचे से और दूसरी ट्रेंड लाइन ऊपर से, ओके, यहाँ इसको खींच लो थोड़ा, और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये पोल बन रहा है दोस्तों। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, एक पोल बन रहा है और फ्लैग बन रहा है। ओके, ये फ्लैग जिस साइड ब्रेक होगा, अप साइड या डाउन साइड, लेकिन हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ये पैटर्न का नीचे के साइड में रहता है दोस्तों। जैसे ही लेवल क्रॉस करेगा 43,850, वापिस बोल रहा हूँ 43,850 का जैसे ही ब्रेक डाउन होगा, आपको पुट में बैठना है। टारगेट हमारे 43,700 तक इनिशियल टारगेट रहेगा 150 पॉइंट का, और सेकेंड टारगेट हमारा 43,600 तक रहेगा 250 पॉइंट का। ओके, यहाँ पे क्या करना है आपको, फ्लैट ओपन होता है बैंक निफ्टी और धीरे धीरे पैटर्न को ब्रेक कर देता है, लेकिन क्रूशियल लेवल दोस्तों याद रखिए, जैसे ही ये लेवल ब्रेक करेगा, ओके, आपको एंट्री डेफिनेटली लेनी है। यहाँ पे आपको कुछ भी पुल बैक के लिए वेट करना जरूरी नहीं है, यहाँ से जैसे ब्रेक डाउन हो जाएगा आप कंफर्मेशन लीजिए और यहाँ से आपको टारगेट 43,600 तक मिल सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है, ओके, फ्लैट ओपन होता है और धीरे धीरे ये जो चैनल है इसके हाई तक जाता है। ओके, हाई पे जाने के बाद अगर इसको वापस वहां से रिजेक्शन मिलता है और ये मिडल लाइन भी ब्रेक कर देता है, तो डेफिनेटली यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है वापस। तो ये चैनल जरूर वॉच कीजिए, कल के दिन बहुत काम आएगा आपको। दोस्तों ये हो गया फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे और अपसाइड, अगर गैप डाउन ही ओपन होता है ये लेवल के नीचे, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी पुट के लिए। हमारा टारगेट रहेगा 43,650 और 600 तक, जो कि मैंने ऑलरेडी बता के रखे हैं टारगेट्स। तो दोस्तों यहाँ पे अगर गैप ओपन होता है और ये लेवल के ऊपर ही होता है, लेकिन हमने बोला है कि हम 44,050 के ऊपर ही हम बुलिश रहेंगे। अगर गैप ओपन होता है और धीरे धीरे ऊपर जाता है और ये लेवल से कोई रिजेक्शन मिलता है आपको, डेफिनेटली वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रही है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे आ रहा है, तो डेफिनेटली पुट में बैठना है। टारगेट हमारे 43,700 to 800 तक कर रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों ही एनालिसिस कर लिया है। यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है दोस्तों, ये ड्रॉ करके रखिए, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, एक सेकेंड, इसको आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ तक तो टारगेट मिलना ही ट्रेंड लाइन तक, तो यहाँ से आपको वॉच करना है, और ऊपर के साइड में एक ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन और ये चैनल का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक कॉल में नहीं बैठना है। ये सब ड्रॉ करके लिए रखिए, कल के लिए काम आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।